बात करते सतना की, जहां पंचायत चुनाव में ड्यूटी कर देर रात वापस लौट रहे नायब तहसीलदार की सड़क हादसे में मौत हो गई है। नायब तहसीलदार की कार खड़े ट्रक में जा टकराई। इस घटना में उनके साथ मौजूद आरआई और दो पटवारी सहित एक ड्राइवर भी हादसे का शिकार हुए हैं। सभी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए मैहर सिविल अस्पताल से रीवा रेफर किया गया है। जानकारी मिलते ही देर रात कलेक्टर एसपी अस्पताल पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश सतना जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां इस हादसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण में मैहर विकासखंड के जनपद पंचायत सभागंज सेक्टर में विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में तैनात नायब तहसीलदार गणेश देश भ्रतार चुनाव ड्यूटी के दौरान रात्रि करीब 2 बजे वापस लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक नायब तहसीलदार पाला पकरिया मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मैहर लौट रहे थे। मैहर कटनी हाईवे स्थित एक ढाबे में रात करीब 2 बजे भोजन करने के बाद वे जैसे ही आगे बढ़े, उनकी कार बाईपास में खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में नागौद नायब तहसीलदार गणेश देश भ्रतार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीप में सवार आरआई, दो पटवारी व उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को मैहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हादसे में घायल तहसीलदार को चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, बाकी घायलों को उपचार के लिए रीवा रेफर कर दिया गया है। विराट 24 के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट।